रेणुका स्वामी हत्याकांड की पुलिस अभी छानबीन कर रही है। पुलिस अभी भी केस से जुड़े सबूत और गवाह इकट्ठे करने में जुटी हुई है। इस बीच खबर आई है कि इस कत्ल के आरोप में जेल में बंद मुख्य आरोपी कनाडा एक्टर कन्नड़ एक्टर दर्शन युगुदीपा से मिलने उसकी पत्नी और बेटा पहुंचे थे। आपको बता दें कि दर्शन का फैन रेणुका स्वामी उनकी गर्लफ्रेंड को स्टार पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजता था। जब इसकी भनक दर्शन को हुई तो उन्होंने साथियों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जिससे उसकी मौत हो गई। कन्नड़ एक्टर दर्शन युगुदीपा बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा सेंटर जेल में बंद है। हाल ही में उससे मिलने उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी और 15 साल का बेटा पहुंचे थे। पत्नी और बेटे से मिलकर दर्शन काफी इमोशनल हो गए थे। वहीं जेल में उनकी मुलाकात क्लोज फ्रेंड विनोद प्रभाकर से भी हुई। बताया गया कि उनकी पत्नी ने उनका जमानत अर्जी के बारे में उनसे बात की। मीडिया से बात करते हुए दर्शन के दोस्त ने खुलासा किया कि वे अपने परिवार के सदस्यों से ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा वह बहुत शांत थे, उन्होंने केवल एक सेकंड के लिए बात की और मुझे टाइगर कहकर संबोधित किया और मैंने उन्हें बॉस कहा। मैंने उनसे हाथ मिलाया और वह बाहर आ गया।